सो हाय दोस्तों, और कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि बहुत लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, या फोन में ही कोई बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया और यूट्यूब हो गया, या कोई भी ऐसे अदर एप्लीकेशन जैसे आप वीडियो या कुछ भी देखते हैं। तो क्या होता है, बहुत पेरेंट्स होते हैं या हम खुद ही होते हैं, उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज मैंने ऐसे शेड्यूल में ज्यादातर कौन सा एप्लीकेशन यूज किया, मतलब आज के 24 घंटे के जो टाइम होता है आज के दिन में, तो हमने सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किस एप्लीकेशन पे ज्यादा टाइम वेस्ट किया, मतलब यूज किया है। और समझ लीजिए इंडिया में ज्यादातर वेस्ट ही बोलते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि हमने आज कौन सा एप्लीकेशन सबसे ज्यादा यूज किया, सबसे ज्यादा मैंने उस एप्लीकेशन में टाइम दिया। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पूरी देखते हैं, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको सेटिंग में आना होगा। यहाँ पर मैं शॉर्टकट सेटिंग में जाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर ही होता है, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल में आप सेटिंग में भी जा सकते हैं। बोलो को ऊपर वाला सेटिंग नहीं पता, तो मैं तो ऊपर से आ गया, आपको सेटिंग में ही आना होगा। सेटिंग में आने के बाद स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, अगर एक स्टेप मिस करते हैं तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप मेरी वीडियो पूरी देखना, वीडियो लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर देखते सेटिंग में आने के बाद, यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद तो एक चीज बता देता हूँ, कभी कभी कहो जैसे ओप्पो हो गया, वीवो हो गया या सैमसंग, तो वो मोबाइल में एज अ चेंज होता है एप्लीकेशन मैनेज, जैसे एप्लीकेशन मैनेज या एप्लीकेशन स्टेटस का आता है। बट इसमें क्या होता है, यहाँ पर पैनल कंट्रोल का ऑप्शन आता है, जैसे डिजिटल पैनल कंट्रोल का, तो यहाँ पर आपको लिखा गया स्क्रीन टाइम, ऐप टाइम, मतलब हम स्क्रीन टाइम भी दे सकते हैं, कितना आप स्क्रीन ऑन ऑफ किए, कितना यूज किए। उसके बाद ऐप जैसे यहाँ पर लिखा ऐप टाइमर, तो ऐप टाइमर भी देख सकते हैं कि अपने ऐप पर कितना टाइम दिया। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने टोटल अपने फोन में 4 घंटे दिए, मतलब जो एप्लीकेशन है इसमें मैंने 4 घंटे दिए। यहाँ पर देखते हैं 4 घंटे टोटल दिए हैं, जो यस्टरडे का दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप इसको ग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ग्राफ आता है, तो यहाँ पर कंट्रोल मतलब देख सकते हैं कितना टाइम दिया। तो यहाँ पर टोटल मैंने आज केवल 2 घंटा फोन इसको मतलब फोन यूज किया, मैं ज्यादा फोन यूज नहीं करता, केवल एडिटिंग करता हूँ, यही सब करता हूँ भाई। आप देख सकते हैं हमारी वीडियो इसी पे आ रही है, तो मैं यही सब करता हूँ। उसके बाद मेरा कल 4 घंटे फोन चलेगा, जो कि स्टेटस मतलब स्टडी का था। उसके बाद यहाँ पर 6 घंटे चले थे, मतलब यहाँ पर टोटल मेरा चला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरेज, जो एवरेज स्क्रीन टाइम है मेरा, कभी कभी 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मतलब 5 घंटे नहीं, 2-3-4 2-3-4 ऐसा रहते हैं। तो यहाँ पर बताएगा एवरेज स्क्रीन टाइम, जैसे जिस स्क्रीन ऑन रहता है तो उसका टाइम दिया गया 4 घंटे 32 मिनट। और इससे ज्यादा ऐप की मैं बात बताता हूँ, तो इससे ज्यादा मेरा ज्यादा इंस्टाग्राम चलता है, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे मुझे कंटेंट मिलता रहता है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा फ्री होता हूँ तो टाइम देता हूँ। सेकेंड ऐप है हमारा स्नैप, तो स्नैप क्या होता है, ये कैमरा ऐप है, स्नैप जो हमारा ऐप दिख रहा है ये कैमरा ऐप है, इससे मैं वीडियो ट्रांसफर करता हूँ, वीडियो की जैसे फोटो वीडियो हर चीज कैमरे से ट्रांसफर करता रहता हूँ, तो इसमें आता है। ऊपर से पिकार्ड हो गया, पिकार्ड में जैसे मुझे कभी कभी क्या होता है थंबनेल में मिस्टेक हो जाता है, तो मैं थंबनेल यूज करने के लिए पिकार्ड यूज कर लेता हूँ ऐसे के, वरना तो मेरे पास काफी एप्लीकेशन लैपटॉप में होते रहते हैं। सो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अच्छी वीडियो में, तब दोस्तों बाय बाय टाटा।